पौड़ी से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मॉनसून सीजन की दस्तक देते ही जल संस्थान के पेड कर्मचारी हड़ताल पर उतर गए। बता दें कि ये कर्मचारी 4 महीने से वेतन ना दिए जाने और वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारी जल्द अपनी हड़ताल समाप्त कर वापस नहीं लौटते तो शहर में आने वाले दिनों में पानी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। वही हड़ताली कर्मचारी शिवचरण ने बताया कि उनके साथी कर्मचारियों को पिछले 4 महीने से वेतन का भुगतान नहीं हो पाया है। इसके साथ ही उनके संगठन द्वारा जल संस्थान के समक्ष 15,000 रुपए प्रतिमाह वेतन दिए जाने की मांग रखी है। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, ये सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। वहीं इस पूरे मामले में अधिशासी अभियंता जल संस्थान एसके राय ने कहा कि पौड़ी शहर में पानी की समस्या उत्पन्न न हो, इसके लिए पहले से ही फील्ड कर्मचारी नियुक्त कर दिए गए हैं। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। है कि उनको कॉन्ट्रेक्टर ने जो उनका जो परिश्रमिक है वो दिया नहीं है, तो उन्होंने ले लिया एप्लीकेशन और कॉन्ट्रेक्टर से पूछेंगे कि आपने इनको क्यों नहीं दिया है। एक ये था, दूसरा ये था कि शायद कॉन्ट्रेक्टर्स उनको जो है जो उनका परिश्रमिक है उसके हिसाब से उनको भुगतान नहीं कर रहा है। तो इन बंदों पर भी मैं कॉन्ट्रेक्टर से अभी बुला करके उसमें लेटर लेकर के स्पष्टीकरण मांग रहा हूँ कि ऐसा क्यों शिकायत आई। नहीं, वो तो हमारे पास है व्यवस्था, उसको कोई दिक्कत नहीं है, किसी तरह से पेयजल आपूर्ति को हम लोग प्रभावित नहीं होने देंगे। लेकिन ये भी अचानक आकर के और इस तरह से स्थिति उत्पन्न करना, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। कोई चीज है तो उसको नोटिस में ले आना चाहिए। अब वो आ जा करके कि साहब हम तो काम नहीं करेंगे, तो इसका कोई मतलब नहीं। हालांकि इनसे हम लोगों का डिपार्टमेंटल डायरेक्ट कुछ भी वो नहीं है, इसके लिए कॉन्ट्रेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है और कॉन्ट्रेक्टर के विरुद्ध हम कार्रवाई करेंगे। हमारे हम लंबे समय से काम कर रहे हैं, 7-8 महीने से हमें सैलरी नहीं मिली हुई है, अब जिससे हमारी आर्थिक स्थिति डगमगा गई है। और हम ये चाहते हैं कि हमारी सैलरी 10 तारीख से पहले पहले हमें मिल जाए। मेन मांगे हमारी है कि 15,000 कम से कम से न्यूनतम वेतनमान हमें दिया जाए। अभी क्या कुछ ये है कि लिखित रूप से दे दें कि 15,000 रुपये आपको मासिक दिया जाएगा, इसी वजह से हम अपनी स्थायी रोकेंगे, अन्यथा स्थायी चालू रहेगी।